काश मेरा हस्बैंड घर पर होता तो मुझे इतना अकेला काम नहीं करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज को और फिर से आया है अंकल जी लोग हमारा नया घर बनाने के लिए। ये देख सकते हो, फाइनली काम कर रहा है घर में, घर बनाने के लिए। तो आज का वीडियो जो है हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं पतापत। सो अभी का टाइम बज रहे हैं, 8 बज गया है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट भी खाया है और मेरा बच्चे लोग भी स्कूल चला गया है एंड मेरा देवरानी लोग सुपारी गिराने के लिए गया है, सुपारी खाले करने के लिए, बीजन के लिए, अगले साल में लगाने के लिए। अभी आपको दिखाऊँगी ना, इस वीडियो में बनी रहिए अगर अच्छी लगे तो। तो ये हमारा नया घर, ये वाला पिलर रेडी हो गया है, बन के था यार। तो और फिर ये वाला पक्का बनाना है यहाँ पे, और सीमेंट वगैरह डाल देना है मिक्स करके बालू के साथ। ये देखो, आज कंप्लीट हो जाएगा सब पिलर बना के, पक्का पिलर। हमारा नया घर जल्दी रेडी होने वाला है गाइस। सब काम कर रहा है अंकल जी। ये भी रेडी हो गया है। इधर है जीजू, यहाँ पे सीमेंट वगैरह और बालू वगैरह मिक्स करके पिलर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं जीजू। तो आज का मौसम देखो, बादल काला काला है, बारिश आने वाला जैसा लगता है, धूप भी नहीं है। और उधर में है देवर जी, सुपारी गिराने के लिए गया है और मेरा देवरानी भी गया है सुपारी कलेक्ट करने के लिए। सो दोस्तों, अभी अभी मैं ना लकड़ी कलेक्ट किया हूँ इधर उधर से। ये देखो, लकड़ी कलेक्ट किया हूँ, हम लोग आग जलाएंगे। तो नदी में हूँ फिलहाल अभी। ये देखो, हमारा गांव का छोटा सा नदी है। ये देखो हमारा बस का बागान। फाइनली दोस्तों, लेके जा रहे हूँ लकड़ी। ये हनी प्लांट में बहा के आ गया था ये वाला लकड़ी। और यहाँ पे देखो दोस्तों, मेरा देवरानी और दो बच्चा का साथ सुपारी खाले कर रहा है सुपारी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देवरानी दोस्तों बोल रही है। यहाँ पे एक तो ठोकरी लेके आया है, बाद में लेके जाएंगे यहाँ से उतार के। ये वाला लकड़ी जो है, तो ये है कच्चा वाला सुपारी और ये है पका वाला सुपारी। सीती ने खा रहा है, सीती ने खा दिया है ना अलिस। मत रो अलिस बेटा, सीती ने खाता है ना। सुप 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 सुप, ठीक हो जाएगा ना। फुल एक बाल्टी होएगा, फुल एक बाल्टी हो गया है ना। अभी देवरानी को मदद करना है, देवरानी बुक के लेके जाएगा सुपारी, फिट में उतार देना है। जय बजरंग बली, फाइनली लेके जा रहा है। चलो दाओ, देख घास दाओ, आ जाओ। अलिस ने बल्टी लेके आ रहा है। सो अभी फिलहाल साग लेने के लिए आई हूँ। ये देखो, हम लोग ऐसा वाला साग को खाते हैं। ये देखो यहाँ पे भी है, बुद्धा को नहीं खाते हैं, कमल कमल वाला को खाते हैं, आगे वाला हिस्सा को। तो आज के लिए हो जाएगा, बस इतना ही खाले किया हूँ गाइस। पक्का आम और कच्चा आम अलग अलग से रख रही है देवरानी। चटनी खाएंगे और अलग भी आम खा रहा है। सो गाइस, अभी फाइनली लंच बना रही हूँ।
ये देखो गैस फाइनली पक रहा है आलू के साथ पका वाला आम खाऊंगी, बहुत मीठा। खाने में बनाऊंगी अंडा और दाल बनाऊंगी। इसको अंडा को अभी बॉयल करना है, उसके बाद फ्राई करेंगे। अंडा उबल रहा है, उसके बाद फ्राई बनाऊंगी सील के अंडा को। और यहाँ पे मेरा देवरानी आम का चटनी खाने के लिए सील रहे है आम। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा हल्दी ऐड करना है। तेल गर्म हो चुका है, हल्दी फ्राई हो रहा है। फाइनली रेडी हो गया है गैस अंडा खीरी, देख सकते हो। और यहाँ पे है बैर दाल सब्जी और ये है आम का चटनी खाएंगे। और यहाँ पे है साग, सब सब्जी रेडी हो गया है गैस। अभी खाना खाएंगे, अभी थाली निकला है मेरा देवरानी, खाना निकलेगा अभी। ये देखो ये है आम का चटनी, थाली में बांटना है। अंडा खीरी दे दिया हूँ सब का सब थाली में। ये देखो खाना खा रहा हूँ गैस। ये है आम का चटनी, अंडा और साग। और मेरा देवरानी खा रही है खाना, अंडा और चटनी और साग। और यहाँ पे सब लोगों ने खाना खा रहा है। हम लोगों ने जो है लंच कर लिया है गाइस। और गाइस यहाँ पे जो खाद आप लोग देख रहे हो ना, तो ये वाला खाद को सब उधर में खड़ा खड़ा करके रखना पड़ेगा। तो थाल को भी आधा हिस्सा रखा था वहाँ में खड़ा खड़ा करके, बारिश में खराब होते जा रहा है तो बीच में वहाँ में सुखाना है। ये देखो सब उधर में लेके जाना है, तो अकेला करना पड़ेगा अभी हमको। इतना सारे खाद किसे लेके जाऊंगी, ओ धीरे धीरे करना पड़ेगा। खाल को भी रखा था आधा हिस्सा, ये देखो। तो ये वाला लेके जाऊंगी, बहुत ज़्यादा भारी है, एक तो होगा लगभग 15 किलो। अकेले में कर रही हूँ, तो यहाँ पे है रखना पड़ेगा खड़ा खड़ा करके। ये देखो कुछ इस तरह से रखना पड़ता है, नहीं तो बारिश में खराब हो जाएगा। और उधर में है मिस्त्री अंकल जी लोग काम कर रहा है, देखो हमारा नया घर के लिए। खास मेरा हस्बैंड होता तो घर में इतना तकलीफ करके रखना नहीं पड़ता हमको। हस्बैंड भी नहीं है, किसको बोलूँगी मैं ये काम कर दो वो काम कर दो बोल के। देवर जी भी किया है दोस्त का साथ घूमने के लिए, अभी हमको अकेला करना पड़ रहा है ये काम सब गैस। ये देखो और मेरा देवरानी भी बर्तन मांसने गया है ट्यूबवेल में। एंड मेरा सासू माँ सासुर जी लोग तो बूढ़ा हो गया है, वो लोग नहीं कर सकती है ये वाला सब काम। देखो इतना सारे रखा हूँ, पूरा पानी फ्लैट में इतना सारा मिट्टी हो गया है। ये देखो पूरा गंदा हो गया है, तो यहाँ पे रखने से बारिश देने से सब गंदा गिर जाएगा ना अपने आप, इसलिए खड़ा खड़ा करके रखना पड़ेगा। और इसको भी लेके जाना पड़ेगा। कैमरा मैन भी नहीं है,
बट मैं मिलती है गाइस, एक हाथ से नहीं कर सकती हूँ, ये वाला लाया था। सो अभी काम करूँगी गाइस लगातार, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं सोऊंगी, फिनिश करूँगी काम, खत्म करूँगी जल्दी जल्दी। सब लेके आना है उधर से, यहाँ पे खड़ा खड़ा करके सब रखना पड़ेगा। खाल को रखा था मैंने ये वाला, अकेले में मैं किया हूँ काम। थक चुकी हूँ गाइस फाइनली, अभी रेस्ट कर रही हूँ, क्या ही बताऊँगी। ओ गाइस अकेला अकेला करना पड़ता है ना, सारे खाद लेके आई हूँ, और मेरा देवर जी भी मदद नहीं करता है, दोस्त का साथ कहीं घूमने के लिए गया है, क्या ही बोलूँगी गाइस। खास मेरा हस्बैंड घर पर होता तो मुझे इतना अकेला काम नहीं करना पड़ता है, अभी तो नहीं करने से भी करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है गाइस मदद करने वाला आदमी। और खास मम्मी पिताजी हमारा गांव में होता तो वो लोग मदद कर देती है मेरे को, मदद करने वाला कोई भी नहीं है। और मेरा देवरानी भी ट्यूबवेल से पानी उतार रही है, तो पानी प्लाट में आधा हिस्सा बहा के लेके गया है पैसा वाला, सिर्फ यही बचा था, हम लोग रस्सी से बांध के रखा था सुपारी का बगान पे। अभी बाल्टी पे घुसा के लेके जाएगा, नया फिलर हम लोगों का धीरे धीरे रेडी हो रहा है गाइस। सो दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो गया है मेरा काम, यहाँ से सब वहाँ पे खड़ा करके रखा हूँ, ये देखो गाइस सब कंप्लीट काम। और दोस्तों देखो ना मेरा हालत, पूरा हाथ भी गंदा, सब गंदा गंदा है, सब पूरा गंदा हो गया है, ये देखो हाथ भी पूरा गंदा, काम करते करते पूरा डेढ़ घंटा लगा है ये सब कंप्लीट करने के लिए। बहुत 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 मेहनत किया हूँ, बहुत ही थक चुके हूँ और बहुत ही ज़्यादा पानी पी लिया हूँ, अभी अभी पूरा गंदा हो गया है, कंप्लीट कर लिया हूँ मेरा काम।